Kumar from Admin Public School. Dear student, today we will talk about for the new topic of class 11 chemistry, that is the significant figure. जैसा आप जानते हो कि हमने अपने previous video में आपसे discuss किया था chemistry के जो introduction को लेकर, जैसे matter का definition, matter के सबसे छोटे smallest part को जिसको हम atom कहते हैं, उसमें हमने आपको बताया कि जो word atom है उसको सबसे पहले जो ऋषि कनाद थे उन्होंने परमाणु नाम दिया, बाद में जो ग्रीक फिलासफर डेमोक्रेटस और लिसिपस थे उन्होंने बताया कि जो word atom is derived from the Greek word atomium, जिसका मतलब हमने बताया था लेटर। जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि आपको मैंने बताया था कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से कंसीडर करते हैं। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि एटम जो होता है वो इंडिविजुअल नहीं बल्कि डिविजिबल है और उसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पोरल। परमानेंट पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और टेम्पोररी पार्टिकल्स में मैंने बताया था पॉजिटॉन न्यूट्रॉन बहुत सारी चीज़ें, ये सब हम शुरू कर चुके हैं। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, ठीक है ना। आज हमें यही समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर ये क्या है। तो जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन करते समय आपको दो तरह के डिजिट मिलते हैं, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर हम कंसिडर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, सपोज कोई एक डिवाइड हम लिख रहे हैं, यहाँ पर अगर हमने डिवाइड लिखा तो 10 को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो 3 का 9 है, 3 बचा, 1 बचा, फिर पॉइंट बढ़ाया हमने 0 बढ़ गया, फिर 3 का 9, यानी ये पॉइंट ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यानी 3.333 ऐसे वैल्यू आ जाएगा। तो आप डेसिमल पॉइंट के पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद का सुमन पक्ष देख रहे हो, यहीं से सिग्निफिकेंट फिगर की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर इज एनी नंबर और ऑल सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउन टू डिजिट, यानी डेसिमल के इधर के जो होते हैं नंबर्स उनको हम सर्टेन डिजिट कहते हैं। डेसिमल के यानी ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल के इस साइड में ये जो 3 है इसको हम सर्टेन डिजिट में कंसीडर करेंगे, और डेसिमल के बाद का ये जो 2-3 है ये डाउनफुल डिजिट में कंसीडर किया जाता है। यानी सिग्निफिकेंट फिगर एक ऐसा नंबर है जिसमें सर्टेन डिजिट और डाउनफुल डिजिट दोनों क्या है, इंक्लूड है। यहाँ पर वही बताया गया है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर नंबर भी कंसिडर किया है, ये 11.64 को हमने लिखा भी है कि यहाँ पर जो 11 यानी डेसिमल के पहले ये जो 1-1 है ये हमारा सॉर्टेड डिजिट में होगा, और डेसिमल के बाद ये जो हमारा 6 और 4 है ये हमारा डाउनफुल डिजिट। इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जाता है ये जानना जरूरी है, तो क्वेश्चन जानने के लिए यहाँ पर आपको एक अलग रीडिंग पढ़ना है, और वो रीडिंग है रूल्स फॉर डिटरमिनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, यानी किसी भी गिवन नंबर में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी गिवन नंबर में कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करें। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया, कोई वैल्यू दिया गया और आपसे पूछा गया बताइए इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वहाँ आपको ये रूल फॉलो करने हैं और इस रूल को 1 by 1 कंसिडर करेंगे, क्लियर है ना। तो सबसे पहले रूल पढ़ते हैं, रूल में क्या दिया है, फर्स्ट पहला और इम्पॉर्टेंट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट के नंबर आर सिग्निफिकेंट,
नंबर गिवन होगा और उस नंबर में सारे डिजिट नॉन जीरो डिजिट होंगे। आपको पता होगा नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जीरो के अलावा कोई भी डिजिट अगर है तो उसी को हम नॉन जीरो डिजिट कहते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, एग्जांपल में 44.3 ये एक कोई वैल्यू है 44.3, तो इसमें ये सब के सब कोई भी जो डिजिट है वो जीरो डिजिट तो है नहीं, जीरो है नहीं, तो जीरो कहाँ से होगा, ये सब के सब नॉन जीरो डिजिट है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं सब काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, ठीक है ना। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा जो एक नंबर दिया गया है 5.243, 5.243 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 डिजिट दिया गया है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर 125 में 3 नंबर है, 3 नंबर सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस तरह से ये पहला रूल हमारा क्लियर हो गया। पहला रूल ये कह रहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे, सब सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल ये बताया गया है द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, यानी अगर कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में आया हुआ है तो वो भी क्या होगा, उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। दूसरा रूल आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई दो नॉन जीरो डिजिट है और उसके बीच में कोई जीरो आ गया है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर किया जाएगा। जैसे एक नॉन जीरो सिग्निफिकेंट हमारा 6 हो गया और दूसरा 1 हो गया और 6 और 1 के बीच में 0 आया है, यानी वैल्यू है हमारा 6.01, तो दोनों साइड में किनारे किनारे पे नॉन जीरो डिजिट है और बीच में 0 है, तो टोटल सिग्निफिकेंट हो गए यहाँ पर 3, जो कि यहाँ के 0 को भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करना है। क्लियर है ना। ऐसे ये जो दूसरा नंबर है साइड साइड में ये नॉन जीरो 6 और 1 और उसके बीच में 1, 2, 3 तीन नॉन जीरो डिजिट आ गए हैं, तो ये रूल आपको सेकंड रूल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर, जो थर्ड रूल है वो क्या कह रहा है, द नॉन सॉरी द जीरो रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। जरा ध्यान से सुनिए, लेफ्ट और राइट, जब भी आप कोई नंबर लिखते हो तो नंबर में लेफ्ट कौन होगा और राइट कौन होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 43, तो 43 में 4 हमारा लेफ्ट है, ये 4 जो है वो हमारा क्या है, लेफ्ट है, और 3 जो है वो हमारा राइट है। तो यहाँ पर रूल क्या कह रहा है कि जब अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में हो, यानी जैसे मान लीजिए एक वैल्यू है ये 0.052, ठीक है ना, 0.052 में 5 और 2 हमारा नॉन जीरो डिजिट है जो राइट साइड में पड़ रहा है, और इसके लेफ्ट में ये 0 है और ये 0 है, यानी डेसिमल के पहले भी 0 है, डेसिमल के बाद भी 0 है। तो ये दोनों 0 हम क्या करेंगे ना, इन दोनों 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नॉन जीरो डिजिट होंगे वही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गया कितना, समझ में आया। ऐसे ही दूसरा एक वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉन जीरो 0.004 दिया है, तो यहाँ नॉन जीरो डिजिट हमारा 4 है और 4 के लेफ्ट साइड में इधर 0 और डेसिमल के पहले अपने डेसिमल के बाद 2 0, तो सब के सब ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, हमारा यहाँ पर एक ही केवल सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ऐसे ही इस वाले नंबर में 0.0024 में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गई 2। अब हम बात करेंगे चौथे रूल पर, चौथा नंबर जो रूल है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। फोर्थ रूल में कहा गया है कि ऑल जीरो प्लेस
साइड में है वो भी डेसिमल के बाद, तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे। ये आपको याद रखना है। जैसे ये 11.0 आप देख सकते हैं, 11.0 में क्या हो रहा है, ये 11 नाम, ये हमारा नाम जो डिजिट है, डेसिमल के बाद फिर जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये वाला जीरो जो है वो राइट हैंड साइड में है, डेसिमल के ठीक बाद है। तो टोटल यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हम कंसिडर करेंगे कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। ऐसे ही आप ये वाली वैल्यू देख सकते हैं 11.00 में टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 4 होंगे। यानी अगर नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसे आप सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, तब तक आप इतना ध्यान से कंसिडर करते हो। ओके, थैंक यू।